सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है डिज़ाइन ऑफ सेंट्रिफ्यूगल पंप के पार्ट टू में, जिसमें हम सिर्फ ऑप्शनल स्टेप्स डिज़ाइन करेंगे। आपको अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो अभी जाके देखिए, उसमें हमने ये जो कंपलसरी स्टेप्स है वो हमने कर लिए। अब क्वेश्चन में अगर पूछा उसने पहले शाफ्ट डिज़ाइन करो या बेरिंग सिलेक्ट करो या फ्लेंच फास्टनर सिलेक्ट करो, तो अभी हम वो करने वाले डिज़ाइन ऑफ इम्पेलर शाफ्ट ऑप्शनल स्टेप। तो कौन सा स्टेप है? स्टेप नंबर 7। तो आप कोई भी शाफ्ट आप डिजाइन करोगे ना, तो ये आपने MD1 में पढ़ा था। तो आप कोई भी शाफ्ट डिज़ाइन करेंगे ना, तो उसके लिए आपको एक ही फॉर्मूला आता है, वो है इक्विवेलेंट टॉर्क इज इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ डी क्यू। ओके, शाफ्ट डिज़ाइन करना मतलब उसका सिर्फ डायमीटर अपने को मालूम करना है। एक बार डायमीटर मालूम हो गया तो हम डेटा बुक से उसकी लेंथ भी मालूम कर सकते हैं। तो द मेन स्टेप इन शाफ्ट डिज़ाइनिंग इज टू फाइंड आउट द व्हाट डायमीटर इट विल हैव। तो हमें सिर्फ और सिर्फ डायमीटर निकालना है ये स्टेप में शाफ्ट का। अब वो निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट टॉर्क इज इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ डी क्यू। ओके, अभी कन्वीनियंट के लिए मैं इसको ds बोल देता हूँ, क्योंकि डायमीटर और शाफ्ट निकाल रहे हैं हम, तो इसलिए ds भी। तो ये टाउ जो है ना वो शियर स्ट्रेस है, अलाउेबल शियर स्ट्रेस। ओके, वो हमारे उस पर मटेरियल पर डिपेंड करेगा। अगर पहली बात तो हमें मटेरियल सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो हम मटेरियल सिलेक्ट करेंगे C45 मटेरियल हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, और उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि C45 का जो वैल्यू है कि वो डायरेक्ट हम उसकी टॉक की वैल्यू हम डायरेक्ट इसमें नहीं डाल सकते, हमें कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके डालना पड़ेगा ताकि हमारा डिज़ाइन सेफ हो। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने 4 अज्यूम कर लिए, तो उससे हमारा टॉक मिल जाएगा 45 MPa। ये तो आप सीधा इसको याद कर लो क्या मटेरियल फॉर शाफ्ट, क्योंकि हर बार आपको शाफ्ट डिज़ाइन करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो टेकिंग मटेरियल फॉर शाफ्ट एस C45 एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4, टाउ इज इक्वल टू 45 MPa। तब आपको टाउ मिल गया, अब आपको बस ये मिल जाए ना टॉक इक्विवेलेंट, तो आपका काम हो जाएगा। तो टॉक इक्विवेलेंट हम ऐसे नहीं निकाल सकते, टॉक इक्विवेलेंट एक फार्मूला है, क्योंकि ये कंबाइंड शेयर एंड मेंडिंग का केस है, इसलिए टॉक इक्विवेलेंट का फार्मूला रहेगा टॉक स्क्वायर, मतलब जो कंबाइंड टॉक था उसका स्क्वायर प्लस बेंडिंग मोमेंट का स्क्वायर उसका अंडर रूट। ये उसका मेन फार्मूला है शाफ्ट डिज़ाइनिंग जब आप करेंगे ना, तो ये फार्मूला सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला शाफ्ट के लिए, ये फार्मूला हर शाफ्ट के लिए वैलिड है। टॉक इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस बेंडिंग मोमेंट स्क्वायर। अब ये टी क्या है? तो वो जो शाफ्ट है वो आपका किसी मोटर से कनेक्ट होगा, तो मोटर उसको पावर देगा, तो उस पावर पे वो कितना टॉक जनरेट करेगा वो है ये टी स्क्वायर। तो अपने को पता है पावर का फॉर्मूला, P इज इक्वल टू 2π NT/60, है ना। तो इससे पावर हमने 11 वॉट हमारे निकाले थे हमने पिछले स्टेप्स में, 11 वॉट इंटू 10^3 किलो वॉट था, सॉरी वो 11 किलो वॉट इंटू 10^3 इसलिए करें ताकि वो वॉट में रहे, किलो वॉट में हम सब्सिट्यूट नहीं कर सकते। फिर 2 × π, फिर इंटू RPM हमने 1440 जब मोटर सिलेक्ट किए थे तभी हमने RPM दिया था 1440 इंटू टी तो हमें निकालना है अपॉन 60, तो इससे आपको टी मिल जाएगा, टी आपको मिलेगा 72.94 न्यूटन मीटर। ओके, इससे आपको टी ए मिलेगा, लेकिन क्योंकि आपका शाफ्ट आप इसको MPa में ले रहे हैं टाओ को, आप इसको पास्कल्स में नहीं ले रहे, मतलब आपको शाफ्ट का डायमीटर MM में मिलेगा ना, तो इसलिए आपको टॉप जो है ना वो भी MM में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इसलिए 72.94 × 10^3 न्यूटन MM हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर। ओके, आपको इससे ही मिल जाएगा इंटू 10^3 न्यूटन MM, सॉरी आपको मीटर में मिलेगा ही नहीं, आपको न्यूटन MM में ही मिलेगा, तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना। टॉप मिल गया, अब हमें चाहिए मेन बेंडिंग मोमेंट का स्क्वायर, तो पहले हमें बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके,
तो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला है, मोमेंट का फॉर्मूला सेम सिमिलर, जो मोमेंट का फॉर्मूला है वही बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला, मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब नहीं ये फॉर्मूला है बेंडिंग मोमेंट का, एफ इंटू एल। ओके, अब एल लेंथ ऑफ शाफ्ट, तो ओवर हैंगिंग लेंथ, मतलब ये शाफ्ट है यहाँ पर इम्पेलर। ओके, तो ये लेंथ हम अज्यूम करते हैं 150 mm, आप 200 से 100 के बीच में कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। तो 150 mm हमने अज्यूम के लिए लें, हमें फोर्स चाहिए, फोर्स इज अननोन टू अस। तो वो फोर्स आप देखिए, एक तो ये यहाँ पर जो इम्पेलर लगा है तो इसका खुद का सेल्फ वेट रहेगा, प्लस इसके साथ एक केसिंग भी लगी हुई है, केसिंग के अंदर है ना इम्पेलर, तो उसका भी सेल्फ वेट रहेगा, मतलब इस शाफ्ट पे पहले तो उसकी वजह से ये बेंड हो रहा है, इस सेल्फ वेट की वजह से, मतलब इसकी वजह से फोर्स में पहले, क्योंकि ये स्टेशनरी है दोनों, इसलिए वो स्टैटिक फोर्स कहलाया जाएगा जो इसकी वजह से हो रहा है, इम्पेलर की वजह से और उसका केसिंग की वजह से हो रहा है। ठीक है, फिर जब इम्पेलर रन करेगा तो कोई भी चीज़ आप यहाँ पर उसको ऐसा रन करेंगे ना, तो इस पर ऐसा फ्लक्चुएशंस आएंगे, तो वो डायनेमिक फोर्स पे कहलाया जाएगा। तो फ्लक्चुएशंस ना आए तो इसलिए वो डायनेमिक फोर्स उसको बोलते हैं, जब वो इम्पेलर रन करेगा ना तो डायनेमिक फोर्स उस पर अप्लाई होगा। तो फोर्स इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिक फोर्स प्लस डायनेमिक फोर्स। अब स्टैटिक फोर्स, तो पहले हम स्टैटिक फोर्स निकालते हैं। ठीक है, तो एफ स्टैटिक, स्टैटिक फोर्स क्या है, पहली बात तो खुद इम्पेलर है, तो वेट ऑफ इम्पेलर, तो इसके अंदर जो केसिंग है ना उसको श्राउड बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो दो है ना, फ्रंट एंड बैक, तो प्लस वेट ऑफ श्राउड। ओके, वो भी दो है, इसकी वजह से इसको हम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको। अभी वेट का सिंपल फॉर्मूला क्या है, वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कैटी एम जी, है ना। तो मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, रो इनटू वॉल्यूम इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। अब वॉल्यूम क्या होता है, एरिया, तो एरिया इंटू जितना थिक है वो, एरिया इंटू थिकनेस, तो हो जाएगा रो एरिया इंटू थिकनेस इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। तो अभी इसको हम लिखेंगे रो जी 80। ओके, तो एरिया जो है ना वो एरिया होगा पाई बाय 4 डी टू स्क्वायर माइनस डी वन स्क्वायर, क्योंकि ये श्राउड है ना, तो वो यहाँ से हॉलो है, वो हॉलो श्राउड है, मतलब ऐसे यहाँ बीच में होल रहेगा और फिर ऐसा रहेगा कि यहाँ पर वो इम्पेलर कनेक्ट हो रहा है ना, तो उसके साथ पाइप कनेक्ट होगा, इसलिए यहाँ पर होल रहेगा और पीछे भी पाइप कनेक्ट होगा, इसलिए डी टू माइनस डी वन द होल स्क्वायर। अभी डी टू क्या है, डी टू हमने पिछला वो इम्पेलर डिज़ाइन में हमने निकाले थे डी टू, जो कि आया था 28.3 और डी वन हमारा आया था 12.95, है ना। ये दोनों वैल्यूज डाले आपको एरिया मिल जाएगा, थिकनेस। अभी वो थिकनेस जो है ना हमने निकाले, हमने दो थिकनेस अज्यूम किए थे ना, थिकनेस एंड इनलेट एंड थिकनेस एंड आउटलेट, तो हम वो थिकनेस नहीं लेंगे, हम सीधा अज्यूम करेंगे थिकनेस 5 mm है, वी विल जस्ट अज्यूम इट एज 5 mm। तो ये थिकनेस आ गई 5 mm, अज्यूम नहीं भी किया तो चलता, क्योंकि पिछले स्ट्रेस में हमने वो थिकनेस निकाले थे, थिकनेस एंड आउटलेट, थिकनेस एंड इनलेट, तो मैं आउटलेट की थिकनेस लेना है, तो 3 to 5 mm है और 6 to 8 mm, तो 5 mm ले लिए थिकनेस एक नॉर्मल। अब रो जी, तो रो जी हमारा श्राउड ना कास्ट आयरन से बना है, तो इसलिए उसका स्पेसिफिक वेट, इसको रो जी को स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं, तो वो उसका हो जाएगा 0.072 कास्ट आयरन का स्पेसिफिक वेट इतना है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप उसको डेटा बुक में सर्च कर लेना, तो इसका स्पेसिफिक 0.072 हो जाएगा। तो वेट ऑफ श्राउड डायरेक्ट का फॉर्मूला रिमेंबर कर लीजिए, रोजी 80, है ना। तो रोजी है 0.072
इंटू ए है 5/4, डी टू स्क्वायर मतलब 28 स्क्वायर माइनस बी वन स्क्वायर 12.95 स्क्वायर इंटू थिकनेस है 5 mm, लेकिन उसको मीटर में चाहिए क्योंकि ये मीटर में ना रोजी और ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, सब मीटर में आएगा तो वेट हमारा आएगा 17.86 न्यूटन। ओके, वेट ऑफ श्राउड आ गया। अभी मैं वेट ऑफ इम्पेलर निकालू तो वेट ऑफ इम्पेलर हमेशा ना 10% ऑफ वेट ऑफ श्राउड होता है, ये रिलेशन है। तो इसका 10% क्या हो जाएगा, 10% ऑफ वेट ऑफ श्राउड। लेकिन ये वेट ऑफ सिर्फ एक ही श्राउड का है ना, वेट एक श्राउड का है कोई भी, या तो फ्रंट या तो बैक, तो दो श्राउड के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करते थे ना, तो इसलिए वेट ऑफ श्राउड, वेट ऑफ इम्पेलर 10% इंटू 2WS, क्योंकि दो श्राउड है इसलिए उसका आधा मतलब 10% जो वेट है वो इम्पेलर है, तो उसका आंसर आ जाएगा 3.856 न्यूटन। तो आपने अभी वेट ऑफ इम्पेलर निकाल लिया, वेट ऑफ श्राउड निकाल लिया, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूले में डाल दिया क्योंकि इसके लिए ही अपन इतना कर रहे थे ना, वेट ऑफ इम्पेलर आ गया 3.586 प्लस 2 है, ये स्क्वायर नहीं है 2 है, 2 इंटू वेट ऑफ श्राउड कितना है 17.86। तो इसका आंसर आ गया, स्टैटिक फोर्स का आंसर आ गया 39.29 न्यूटन। अब आपको स्टैटिक फोर्स मिल गया 39.29, अब डायनेमिक फोर्स भी चाहिए, तो डायनेमिक फोर्स के लिए क्योंकि वो रोटेट हो रहा है इसके वजह से रोटेशनल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, तो उसका फॉर्मूला आता है MR ओमेगा स्क्वायर, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा है ना। तो मास, अभी हमें मास क्या रोटेट हो रहा है, इम्पेलर रोटेट हो रहा था, इसलिए मास ऑफ इम्पेलर इंटू इम्पेलर का बड़ा रेडियस लेंगे क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है ना, तो इम्पेलर का ये वाला रेडियस ही लिया जाएगा ना, तो R2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो मास ऑफ इम्पेलर, हमने को वेट ऑफ इम्पेलर पता है, वेट ऑफ इम्पेलर क्या है 3.586 न्यूटन है ना, तो मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय एक्सीलरेशन अप टू ग्रेविटी से उसको डिवाइड कर देंगे तो मास में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 9.81 से डिवाइड कर दिए तो मास में कन्वर्ट हो जाएगा 0.3641 kg, तो 0.3641 इंटू R2। हमें D2 पता है, D2 क्या था 28.3 मीटर है ना, D2 था हमारा, तो R2 क्या हो जाएगा इसका हाफ 0.145 मीटर, 0.145 इंटू ओमेगा। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, 2π n/60, आपने वाइब्रेशंस में पढ़ा होगा ओमेगा इक्वल टू 2π n/60, आपको n पता है 1440, इससे ओमेगा आपको निकल जाएगा 150.79 रेडियन पर सेकेंड, तो 150.79, तो इससे आपको डायनेमिक फोर्स मिल गया जो क्या है 1171 न्यूटन। अब आपको स्टैटिक पता है, अब आपको डायनेमिक पता है, तो आपको टोटल फोर्स पता चल गया ना, फोर्स ऑफ स्टैटिक प्लस फोर्स डायनेमिक, तो कितना था स्टैटिक फोर्स 39.29 और डायनेमिक फोर्स क्या है 1171, तो स्टैटिक दो टोटल फोर्स कितना है 1210। अब आप बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं आराम से फोर्स इंटू लेंथ, तो फोर्स है 1210 न्यूटन, लेंथ है 150 mm, mm में ही रहने दीजिए क्योंकि आपने टॉर्क भी mm में रखा था इधर, अगर आपको याद रहा तो, इसलिए ये भी न्यूटन mm है, तो ये आ गया। तो अब आप टॉर्क इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस बेंडिंग मोमेंट का स्क्वायर, तो टी स्क्वायर आपका टॉर्क का स्क्वायर 72.94 इंटू 10^3 द होल स्क्वायर प्लस बेंडिंग मोमेंट का स्क्वायर 181.6 10^3 द होल स्क्वायर, तो इससे आपको मिल गया 195.7 इंटू 10^3 न्यूटन एम एम टॉर्क इक्विवेलेंट मिल गया। आपको टॉर्क इक्विवेलेंट मिल गया, आप उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, तो इसमें सब नोन हो गया, तो अननोन जो है वो सिर्फ डायमीटर और शाफ्ट रहा, तो वो निकल गया 28 mm।
So this is the way to calculate diameter of shaft. I will summarize you in short. Diameter of shaft के लिए हमें सिर्फ दो formula दिए था, जो formula ये है इसमें diameter आता है कि torque equivalent is equal to pi by 16 tau ds cube. ये formula है original diameter of shaft, इसमें tau हमने 45 MPa लिए, वो material पे depend है 45 MPa, और torque equivalent का निकालने का ये formula है, torque equivalent is equal to under root t square plus bending moment square. तो t normal torque है जो power से मिल गया, वो वाला torque न्यूटन mm में रखना. bending moment क्या होता है, force into length. अब फोर्स इनटू लेंथ, लेंथ हम अज्यूम कर लिए 150 mm, अब हमें फोर्स चाहिए. तो फोर्स भी दो तरीके के फोर्स हो रहे हैं ना, एक स्टैटिक एक डायनेमिक, तो इसलिए स्टैटिक प्लस डायनेमिक. अब स्टैटिक फोर्स कैसे निकालेगा, एक एक इंपेलर है और एक उसका श्राउड है फ्रंट और बैक, तो वो वेट ऑफ इंपेलर खुद का प्लस 2 इंटू वेट ऑफ श्राउड. तो वेट ऑफ श्राउड कैसे निकालेंगे, रो जी ए टी फार्मूला मैंने यहाँ बताया कैसे है वो. तो रो जी कास्ट आयरन के लिए ये है ए और फिर टी 5 mm, तो इससे वेट ऑफ श्राउड निकल गया. फिर वेट ऑफ इंपेलर कैसे निकला, वो 10% ऑफ वेट ऑफ श्राउड होता है, लेकिन वेट ऑफ श्राउड हमें दो बार कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि दो श्राउड है. तो इसे 10% ऑफ 2 इंटू डब्ल्यू एस वेट ऑफ इंपेलर निकल गया. अभी ये दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें स्टैटिक फोर्स मिल गया. डायनेमिक फोर्स कैसे निकालेंगे, डायनेमिक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसलिए उसका फॉर्मूला है mr ओमेगा स्क्वायर. तो मास ऑफ इंपेलर, वेट ऑफ इंपेलर हमें पता है, उसको डिवाइड बाय 9.81 कर देंगे तो मास निकल जाएगा. फिर r2 क्योंकि वो इंपेलर का बड़ा रेडियस, d2 पता है उसका, r2 निकल गया. फिर ओमेगा 2π n/60 से ओमेगा निकल गया, डायनेमिक फोर्स निकल गया, ये दोनों को ऐड कर दिए, टोटल फोर्स निकल गया, लेंथ से मल्टीप्लाई करके बेंडिंग मूवमेंट निकल गया, फिर ये दोनों को डाल के टॉप मूवमेंट निकल गया. ये डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट एक पूरा चैप्टर था आपको MD1 में, अब देखिए वो एक स्टेप बन गया यहाँ पर. तो सिमिलरली जब हम ये करेंगे बेयरिंग सिलेक्शन, तो ये भी पूरा आपको MD1 या 2 में था, ये MD2 में था आपको पूरा एक चैप्टर बेयरिंग के नाम से, लेकिन वो यहाँ एक स्टेप बन गया. तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, मतलब एक क्वेश्चन अगर कर लिया आपको 20 मार्क मिल जाते हैं, तो इसलिए ये स्टेप्स इतना भी कॉम्प्लिकेटेड हो मायने नहीं रखता, क्योंकि ईजिली देखो डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट दो पेज में हो गया, मतलब दो पेज में आपको 4-5 मार्क मिल गए, है ना. तो इसलिए यहाँ तक तो ईजी था, ये आपने कल सीखा जो कि ईजी है, ये भी अभी दिखा दिया ईजी है. अब हम देखेंगे बेयरिंग सिलेक्शन. सो इन बेयरिंग सिलेक्शन, बेयरिंग हमें सिलेक्ट करनी है, बेयरिंग कभी भी डिज़ाइन नहीं होती क्योंकि वो ओरिजिनली डिज़ाइन रहती है, हमें बस सिलेक्ट करनी है कौन सी बेयरिंग हमारे एप्लीकेशन के लिए लगेगी. बेयरिंग क्यों लगती है, क्योंकि ये शाफ्ट है, ये इंपेलर है, तो शाफ्ट किसी पे तो माउंट होगा ना, नहीं तो शाफ्ट उसको ही लेके घूम जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर बेयरिंग लगती है. क्योंकि वो शाफ्ट ये रेडियल शाफ्ट है ना, तो देयरफॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बेयरिंग इज रेडियल. तो देयरफॉर एक मिनट, फोर्स एक्टिंग ऑन बेयरिंग इज रेडियल, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू एफ आर. तो आपने एफ निकाला था पिछले स्टेप में, टोटल फोर्स कितना आया था 1210 न्यूटन. ओके, अब बेयरिंग सिलेक्शन में अगर आपको याद रहेगा, आपने MD2 में किया होगा, तो उसमें तीन स्टेप होते हैं. पहले तो इक्विवेलेंट लोड निकालना रहता है, इक्विवेलेंट लोड. सेकेंड स्टेप होता है लाइफ ऑफ बेयरिंग निकालनी रहती है, और थर्ड होता है डायनेमिक कैपेसिटी निकालना रहता है. ये तीन स्टेप्स रहते हैं बेयरिंग सिलेक्शन में. तो इक्विवेलेंट लोड आपने उसमें देखे, तो उसमें आपको प्रोसीजर वाइज निकालना पड़ता है, लेकिन ये क्योंकि इसमें ये स्टेप है, तो इसमें हम डायरेक्टली इक्विवेलेंट लोड उसको पी से रिनोट कर दें. पी वो हम अज्यूम करते हैं 1.5 से 2 के बीच में, 2 के बीच में FR. तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं 1.5 से 2, उसको FR से मल्टीप्लाई करें, आपको इक्विवेलेंट मिल जाएगा. तो मैं 1.5 ले लेता हूँ, फिर 1210 FR जो था, तो आपको इक्विवेलेंट लोड मिल गया 181.5. अब ध्यान रखिए ये जो लोड है वो आपको KGF में मिल रहा है, मतलब KG में मिल रहा है ये लोड आपको. ओके, आपको लाइफ ऑफ बेयरिंग निकालना है, तो लाइफ जो है वो मिलियन रिवॉल्यूशन में रहनी चाहिए बेयरिंग के लिए, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है. तो आप पहले लाइफ इन आर्स आप अज्यूम कर लो, लाइफ इन आर्स मतलब
अगर बेरिंग 3 साल के लिए चली, आपने अज्यूम किया 3 ईयर्स ऑफ लाइफ, आपने अज्यूम किया इसको, ओके आपने अज्यूम किया कि 3 साल के लिए चली, 3 साल में अगर हॉलीडेज निकाल दिया तो 300 वर्किंग डेज हो गए, और 8 आवर अगर वो पंप रन कर रहे हैं तो 8 आवर वर्किंग पर डे, तो लाइफ इन आवर्स क्या हो जाएगी, क्योंकि अपने को आवर्स में चाहिए ना, तो 3 ईयर्स इंटू 300 डेज उन 3 सालों के इंटू 8, तो हो जाएगी 7200 आवर्स, ये आपको लाइफ इन आवर्स मिल गए। लेकिन आपको लाइफ इन मिलियन रिवॉल्यूशन चाहिए, आपको लाइफ इन रिवॉल्यूशन चाहिए वो भी मिलियन, तो आपके पास लाइफ इन आवर्स है, ठीक है। उसको रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली उसको एन से मल्टीप्लाई कर दो, जितना रोटेट हुआ वो, लेकिन वो एन आरपीएम में रहता है और ये आपको आर में चाहिए, इसलिए वो 60 से भी मल्टीप्लाई होगा, और आपको मिलियन रिवॉल्यूशन में चाहिए इसलिए डिवाइड बाई 10:6 होता है, ओके। तो इससे आपका आंसर आया 622.08 मिलियन रिवॉल्यूशन। लाइफ ऑफ बेरिंग भी आपने निकाल लिया, डायनेमिक कैपेसिटी, तो इसका फॉर्मूला है, या तो फिर आप उसको डेटा बुक में जाके ढूंढ सकते हो, आप बेरिंग चैप्टर खोलना डेटा बुक में, एक मिनट, ये रहा रोलिंग एलिमेंट बेरिंग, बेरिंग खोले आपने, फिर उसमें 4.1 पे ये रहा। तो आप देखिए रेडियल लोड के लिए डीप ग्रुप बॉल बेरिंग लगेगी, तो आप इसने लिखना सिलेक्टिंग, क्योंकि लोड रेडियल है इसलिए सिलेक्टिंग डीप ग्रुप बॉल बेरिंग, ओके। आप 4.2 पे जाइए, यहाँ फॉर्मूले दिए, इक्विवेलेंट लोड आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट बताया ताकि स्टेप्स आपके रिड्यूस हो, टाइम बचे। डायनेमिक कैपेसिटी देखिए आप, सी इज इक्वल टू एल बाय एल टेन रेस टू 1/k अपॉन PE, ओके। तो ये जो एल बाय एल टेन है वही है लाइफ इन मिलियन रिवॉल्यूशन, तो इसलिए वो डायरेक्ट आप लिख दीजिए सी इज इक्वल टू लाइफ इन मिलियन रिवॉल्यूशन डिवाइड बाय 1/k मतलब रेस टू 1/k इंटू PE। ये भी दिया है 3 फॉर बॉल बेरिंग, 10/3 फॉर रोलर बेरिंग, तो हमारी बॉल बेरिंग है ना डीप ग्रुप बॉल बेरिंग, तो इसलिए 3 ले गए हम, तो ये क्या हो जाएगा 622.08 रेस टू 1/3 इंटू PE है 181.5, तो डायनेमिक कैपेसिटी आपको मिल गई 1549.38 kgf, ओके आपको डायनेमिक कैपेसिटी मिल गई। अब आप उस कैपेसिटी की बेरिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको वो बेरिंग चैप्टर में जाना है और बेरिंग के टेबल्स निकालना है, ये रह देखिए ये बेरिंग के टेबल है डीप ग्रुप के, ये है उससे पहले है टॉलरेंस, ये सब आपको डीप ग्रुप का टेबल निकालना है, और उसमें आपको डायनेमिक कैपेसिटी देखना है आपकी कितनी आई, आपकी कितनी आई है 1549, ओके। तो यहाँ ढूंढिए आप डायनेमिक कैपेसिटी सी 1549, 1320 है, उसके बाद डायरेक्ट 1630, तो हमें हायर वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ेगी, इसलिए हम ये सिलेक्ट करते हैं 1630, ओके। तो ये 60 सीरीज़ है, ये है 62 सीरीज़, फिर 63 64, आप कोई भी सीरीज में सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम 60 सीरीज से सिलेक्ट करते हैं, तो क्या है कौन सा बेरिंग है ये 6009, सो सिलेक्टिंग बेरिंग कुछ 6009 था, वो SKF नंबर है ऊपर दिया है उसके, SKF नंबर 6009 फ्रॉम 60 सीरीज, ओके। तो उसके सामने ही डायमीटर दिया है, तो लिखा था 6009 का डायमीटर है 45, तो आपको ये लिखना है ये SKF, और डायमीटर इज इक्वल टू 45 mm, तो आपका बेरिंग सिलेक्शन भी हो गया। अभी चलते इम्पेलर शाफ्ट डिज़ाइन कर लिया आपने, बेरिंग सिलेक्ट कर लिए,
पिछली वीडियो में मैंने कहा था हब के बेस पे केसिंग सिलेक्ट करते, तो वैसा नहीं है, केसिंग हमें अलग से डिज़ाइन करनी पड़ेगी, तो हम केसिंग डिज़ाइन का ये इसमें कर लेते हैं ये वीडियो में। सो वेट, वो 9 स्टेप था ना, 9 डिज़ाइन हो केसिंग। तो इसमें दो चीज़ है, एक तो आपको फर्स्ट थिकनेस निकालनी है और सेकंड आपको रेडियस निकालना है, थिकनेस ऑफ केसिंग एंड रेडियस ऑफ केसिंग। तो थिकनेस के लिए ना हमने पहले थिकनेस अज्यूम किए थे श्राउड का, श्राउड मतलब वही केसिंग, तो उसको हमने 5 mm लिए थे ना थिकनेस, अगर आपको याद रहेगा यहाँ पर। मिल नहीं रहा, लेकिन अपने 5 mm थिकनेस लिए थे, तो हम चेक करेंगे कि हमारी बेरिंग 5 mm सस्टेन कर पाएगी कि नहीं, अगर नहीं कर पाई तो हम बढ़ा देंगे, कर पाई तो वेल एंड गुड। तो उसका एक फॉर्मूला है थिकनेस चेक करने का, वो है सिग्मा टी इज इक्वल टू, ये अलाइबल स्ट्रेस है, सिग्मा टी इज इक्वल टू पी मैक्स डी टू बाय 2t। ये रही हमारी थिकनेस, ये मैक्सिमम प्रेशर है जो उस पर पड़ना चाहिए, और ये D2 है, नीचे। तो ये फॉर्मूले से हम चेक करेंगे, अब सिग्मा टी मतलब अलाउएबल स्ट्रेस, तो अलाउएबल स्ट्रेस के लिए पहले हमें मटेरियल सिलेक्ट करके स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, फिर उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके अलाउएबल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। तो आप अपने डेटा बुक में ये पेज पे आना, क्योंकि केसिंग्स जो है ना वो कास्ट करके बनाई जाती है और कास्ट आयरन से बनाई जाती है ज़्यादातर, तो इसलिए कास्ट आयरन कास्टिंग्स में आ जाइए, प्रॉपर्टीज़ के कास्ट एंड कास्टिंग्स में, उसमें कोई भी एक मटेरियल सिलेक्ट किए, जैसे ये सब मटेरियल्स हैं, तो मैं सिलेक्ट किया GCI 25, ठीक है। उसकी स्ट्रेंथ देखिए कितनी है, एक 250 दी है और एक 200 दी है, तो आप कुछ भी सिलेक्ट करिए, तो मैक्सिमम अपन सिलेक्ट करते 250। तो फ्रॉम डेटा बुक का नाम लिखना और उसका पेज नंबर लिखना 1.4 सिलेक्टिंग GCI 25, तो सिग्मा अल्टीमेट आपको मिल गया 250 MPa, है ना। इसकी जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा केसिंग टूट जाए पहले ही, तो इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत ज़्यादा लेती है, तो 15 या 16 लीजिए या 17-18 भी ले सकते हैं, तो 16 लिए, तो आपके पास सिग्मा टी अलाउएबल स्ट्रेस वो आ गया है 15.625 MPa। ओके, आपके पास ये आ गया, मतलब इतना आप अलाउ कर सकते हैं, इससे अगर ज़्यादा आया तो आपकी थिकनेस फेल हो जाएगी, तो हम पहले थिकनेस चेक करते हैं। तो ये पी मैक्स क्या है, ये होता है 1.2 इंटू PD डिलीवरी पाइप का प्रेशर, तो पहले हम वो निकालते हैं, पी मैक्स इज इक्वल टू 1.2 PD, तो 1.2 इंटू प्रेशर का फॉर्मूला एक सिंपल सा FM में पढ़े थे, रो जी एच, ये फॉर्मूला था ना, इंटू रो इंटू जी इंटू एच, तो 1.2 इंटू रो 1000 वाटर के लिए इंटू जी 9.81 इंटू एच डी क्वेश्चन में दिया था 18, तो आगे 21.18 इंटू 10^4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सब मीटर में था इसके मीटर स्क्वायर, अभी वो यहाँ रखिए आप डी मैक्स पी मैक्स दे। ओके, तो सिग्मा टी निकालिए आप यहाँ से, 21.18 इंटू 10^4 इंटू डी टू, तो वो डायमीटर ऑफ केसिंग हमने पिछले सेशन में ही करे थे, तो वो क्या था 0.283, ये MPa में, इसलिए इसको भी मतलब न्यूटन पर mm है, MPa मतलब न्यूटन पर mm होता है, तो अगर आप ये MPa में है तो इसको mm करा दीजिए, 0.2 इंटू थिकनेस हमने 5 mm अज्यूम किए, तो 5 आंसर आया 6 MPa, विच इज लेस देन दिस अलाउएबल, देयरफॉर थिकनेस इज सेफ। थिकनेस हमारा हो गया, अब हमें रेडियस ऑफ केसिंग निकालना है, तो
तो रेडियस ऑफ केसिंग के लिए हम पहले डी थीटा निकालेंगे, क्योंकि ये देखिए जो रेडियस ऑफ केसिंग है उसमें तो पहले वो आएगा आर टू, ठीक है, आर टू आएगा प्लस एक डी थीटा नाम का टर्म ऐड हो जाता है, डी थीटा प्लस यहाँ क्लियरेंस आता है, ये फॉर्मूला है, इसको आप याद करिए। ओके, आर टू क्या है, वो डी टू बाई टू है, डी टू जो ये था वो डिवाइड बाई टू, डी थीटा हम अभी निकालेंगे, क्लियरेंस हम अज्यूम करते हैं 5-6-7 mm, तो 5 mm अज्यूम कर लो। अब डी थीटा होता है डी टी एच अंडर रूट ऑफ थीटा बाय 360 माइनस 26। ओके, इसका मतलब ये होता है कि ये जो है केसिंग उसको 26 पार्ट की है, 360 माइनस 26, और हर पार्ट पे आपको हर एंगल पे निकालना पड़ेगा, मतलब अगर आप 30 डिग्री की निकाल लेते हैं 30 डालना है, 60 के लिए निकाल लें 60, 45 के लिए 40, 90 के लिए 90, ऐसा डालना है। तो पहले उसके लिए डी टी एच मालूम होना चाहिए ना, तो डी टी एच कैसे निकलेगा, अपन सिंपल फार्मूला क्यू इज इक्वल टू ए वी, क्यू टी एच इज इक्वल टू ए टी एच इंटू वी टी एच, ठीक है, तो ए टी एच क्या हो जाएगा पाई बाय 4 डी टी एच स्क्वायर इंटू वी टी एच। अब ये थेरियोटिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है टी एच, लेकिन ये टी एच इसको थ्रोट बोल दे। ओके, तो उसके लिए हमें थ्रोट डायमीटर चाहिए, थ्रोट डायमीटर चाहिए इसलिए हम ये फार्मूला लगा रहे कि थेरियोटिकल डिस्चार्ज जो था 0.0263 था हमने पिछले लिखा, हमें थ्रोट वेलोसिटी चाहिए। तो थ्रोट वेलोसिटी का एक सिंपल फार्मूला है, थ्रोट वेलोसिटी इज इक्वल टू 25% ऑफ यू टू होता है, तो यू टू था हमारा 21.37 इंटू 0.25, तो आ गया 5.34 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी टी एच आ गया, अब सिर्फ डी टी एच अनोन है, इससे आप डी टी एच निकालिए। डी टी एच निकालने बाद आप ऐसा एक टेबल बनेंगे, ये टेबल बने, ये टेबल में टीटा लिखे 30, 60, 90, 120, 150, 180, ऐसा 360 तक जाइए 30-30 के गैप में, फिर उसमें 30 यहाँ रखिए पहले, फिर डी टी एच रखिए, फिर आपको ये इसको सॉल्व करें तो आपको ये वैल्यू मिलेगी पहले के लिए 30 के लिए, फिर आप वो रेडियस ऑफ केसिंग का फॉर्मूला जो है वो यूज़ करिए, आपको आर नॉट मिलेगा, ऐसे आप हर एक एंगल के लिए करेंगे तो आपको ये पूरा टेबल मिलेगा, तो इससे डिज़ाइन ऑफ केसिंग हो गया कंप्लीट। जो लास्ट स्टेप था डिज़ाइन ऑफ फ्लेंज एंड फास्टनर, उसके लिए फ्लेंज चार्ट लगेगा, तो वो इजी है, आप वो आपका जो डिलीवरी पाइप और सक्शन पाइप का डायमीटर है उसके बेस पे आप फ्लेंज और फास्टनर सिलेक्ट कर लीजिए। तो डेट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर विथ योर कॉलेज मेट्स सो डैट दे कैन ऑल्सो लर्न, एंड सब्सक्राइब टू अस फॉर मोर वीडियोज़।